फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दाल पीठे की रेसिपी। इसको दाल टिकरी भी कहते हैं। ये यूपी साइड, बिहार साइड और पूर्वांचल के साइड में बहुत ही चाव के साथ खाया जाता है। ये घरों में तो बहुत कॉमन डिश है, बट ये होटल, रेस्टोरेंट इन सब में अभी ये इतनी फेमस नहीं हुई है। बट ये बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। फ्रेंड्स, रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। चलिए हम बताते हैं कि हमारी दाल टिकरी की रेसिपी कैसे बनेगी। इसके लिए लिया है हमने होल व्हीट फ्लोर 200 ग्राम, एक कटोरी हमने अरहर दाल ले ली है, इसको हमने धुल लिया है साफ और 1 घंटे के लिए सोक कर दिया है। तो ये हमारी अरहर दाल है। ये हमने 2 ग्रीन चिलीज ले ली है, इसको बारीक काट लिया है। एक होल हमने गार्लिक लिया है, लहसुन उसको भी बारीक काट लिया है। 1 इंच हमने अदरक लिया है, इसको ग्रेट कर लिया है। 2 टमाटर लिया है, उसको भी बारीक काट लिया है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती है, उसको भी बारीक काट लिया है। और ऑनियन है 2, उसको भी बारीक काट लिया है। 2 टेबलस्पून हमें देसी घी लिया है, 1/2 टेबलस्पून जीरा लिया है, नमक स्वाद अनुसार लिया है, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला लिया है, पिंच ऑफ हींग लिया है और 1/2 टेबलस्पून हल्दी लिया है। चलिए हम बताते हैं कि हमारी दाल टिकरी या दाल पीठे की रेसिपी कैसे बनेगी। सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे जिसमें हम आटा गूंथ सके आसानी से। उसमें अपना होल व्हीट फ्लोर ले लेंगे, ये गेहूं का आटा है। और जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं, गूंथते हैं, वैसे ही हमें इसका आटा भी सान लेना है, अच्छे से गूंथ लेना है। तो जैसे नॉर्मल हम अपना आटा गूंथते हैं, वैसे ही हम अच्छे से इसको गूंथ लेंगे। जैसे रोटी का आटा हम गूंथते हैं, वैसे ही हमें इसको अच्छे से गूंथ लेना है। ये हमने आटा अच्छे से गूंथ लिया है और थोड़ा सा सूखा आटा भी साइड में रख लिया है। ये हमारी टिक्की बनाने के काम आएगा, जो हम आटे की टिक्की बनाएंगे। ये देखिए हमने कैसा सॉफ्ट, जैसे रोटी का आटा हम गूंथते हैं, वैसे ही बिल्कुल हमें गूंथना है इसको। ना ही ये ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, ना ही ये बहुत हार्ड रहेगा, मतलब बीच का आटा रहेगा। जैसे कि आप रोटी का लगाते हैं आटा, वैसे ही हमें सेम वे में वैसे ही इसको लगाना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना एक कुकर लेना है और ये जो दाल हमने 1 घंटे के लिए सोक की थी, इसको डाल देंगे अपने कुकर में। ये अरहर दाल है, इसमें अरहर दाल बहुत ही टेस्टी लगती है। और पानी ले लेंगे, ये पानी क्या, ये है कि हमें थोड़ा पतली चाहिए इसके लिए, तो हम 3 गिलास हमने इसमें पानी लिया है। आप चाहें तो थोड़ा सा और इसमें पानी ले सकते हैं, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा और पानी मुझे लगेगा। अब मैं इसमें हींग डालूंगी, थोड़ी सी हींग डालूंगी, थोड़ी सी तड़के के लिए रख लूंगी। हल्दी ऐड करूंगी और नमक ऐड कर लूंगी। 3 ग्लास पानी हमने इसमें डाला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा और पानी लगेगा, इसीलिए मैं 1 ग्लास पानी और इसमें ले लूंगी, क्योंकि ये दाल फिर गाढ़ी भी होने लगती है और हमें इसमें एकदम गाढ़ी दाल नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी पतली ही दाल चाहिए। तो अब हम इसको गैस पे चढ़ा देंगे कि जब तक कि इसमें बॉयल आने लगे, तब तक हम इसको खुले ही, मतलब हमें इसका ढक्कन नहीं लगाना है, हमें इसका ढक्कन खोल के ही, जब तक कि बॉयल आने लगे तब तक हमें इसको गैस पे रख देना है। हाँ, अब हम अपनी दाल टिक्की की जो है टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। और इसकी लोई जो है रोटी की आधी की भी आधी रहती है, ये थोड़ी छोटी लोई, देखिए इतने साइज की इसकी लोई रहती है। अब हम इसको ऐसे ही गोल गोल कर लेंगे, एकदम सेम रोटी की तरह हमें करना है। ये देखिए इतनी छोटी हमने कर ली है। अब इसको लेके हमें, ये देखिए छोटी छोटी इसकी टिक्की नाम क्यों है, क्योंकि इसकी ये देखिए छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं, ये देखिए बस इतनी बड़ी। और ये देखिए इतनी थिक भी रहनी चाहिए, थोड़ी मोटी भी रहनी चाहिए। अब ये क्या है, आप ऐसे इसको प्लेन भी कर सकते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट भी दाल में डाल सकते हैं, बट ये थोड़ा सा अगर आपको इसको शेप देना है तो ये देखिए जो पूर्वांचल साइड में ज़्यादातर ऐसे ही इसको हम दबा देते हैं, ये देखिए से काफ़ी सुंदर भी लगती है। ये देखिए ऐसे ही बस कोने पकड़ पकड़ के ऐसे कर देते हैं, ये देखिए कुछ कुछ दिए की शेप का हो जाता है। अब ऐसे ही ऐसे करके हम अपनी सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे हमने सारी टिक्कियां इसकी तैयार कर ली हैं। अब हम अपनी दाल को देखते हैं, दाल जो हमने बॉईल करने के लिए चढ़ाई थी। हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए दाल में अच्छा सा उबाल आ गया है। इस दाल को 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए ये आधी आधी पक चुकी है और इसमें अच्छा सा खूब उबाल आ गया है। तो 5 मिनट के लिए आपको इसको खुले ही आंच पे बॉईल करने के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अब हम धीरे धीरे जो हमने अपनी टिक्कियाँ बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे अच्छे से। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी होती है। अगर आपका रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ आपको वैसा लग रहा है, तो आप चाहे तो बस फटाक से आप इसको बना सकते हैं। बस एक ही वन पॉट मील हो जाती है ये। एक ही बार में आपकी दाल भी हो गई और ये आटा भी हो गया, तो आपका ये फुल मील हो जाता है। बहुत ही हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इसकी ढक्कन लगा देंगे और एक सीटी आने तक हम इसका वेट करेंगे। जैसे ये एक सीटी हो जाएगी वैसे ही हम अपना गैस बंद कर देंगे। ये एक सीटी हो गई है। अब हमने कुकर अपना गैस से उतार लिया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, तब तक हम अपने तड़के की प्रिपरेशन कर लेंगे। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम इसमें अपनी देसी घी डाल देंगे। 2 टेबलस्पून हमने इसमें देसी घी ली है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें हींग डाल देंगे 1 चुटकी। हमने हींग उस समय भी डाली थी जब हमने दाल चढ़ाई थी, क्योंकि ये काफ़ी हींग काफ़ी पाचक बना देता है हमारी दालों को। तो इसलिए जब भी आप दाल बनाएं तो उसमें हींग ज़रूर डाला करें। अब हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से स्प्लटर होने देंगे। जब ये अच्छे से फूटने लगेगा तब हम उसमें अपनी और सामग्रियां ऐड करेंगे। ये जीरा हमारा अच्छे से स्प्लटर हो चुका है। इस स्टेज पे हम अपना लहसुन डाल देंगे। लहसुन बारीक कटा हुआ है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे, ग्रेटेड अदरक डाल देंगे, जिंजर, और इसको अच्छे से सौते कर देंगे। कितना अच्छा कलर आ रहा है। और इसमें आप प्याज भी ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छे से, हमें ये प्याज अच्छे से लाल कर लेनी है। जब तक ये पूरी सुनहरी ना हो जाए तब तक हमें अच्छे से इसको भूनते रहना है। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी होती है। ये पूर्वांचल बिहार यूपी की बहुत ही फेमस रेसिपी है, बट ये ज़्यादातर घर ही तक सीमित रह गई है। तो इसीलिए मैं ऐसी रेसिपीज जो कि हेल्दी भी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है, बट वो कहीं लुप्त होती जा रही है, मैं ऐसी रेसिपीज लेके आना चाहती हूँ जो कि हेल्थ में भी बहुत अच्छी होती है और अपनी ट्रेडिशनल रेसिपीज होती हैं। ये सब रेसिपीज हमें बनाती रहनी चाहिए कि जिससे हमारी जो पुरानी रेसिपीज हैं वो भी आगे की जनरेशन सीख सके। अब हमें इसको अच्छे से लाल करना है। अभी प्याज हमारी पूरी अच्छे से लाल हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम अपना टमाटर ऐड कर देंगे। दाल में हमने नमक ऐड किया हुआ था, इसीलिए इसमें हमें नमक डालते वक्त थोड़ी एहतियात बरतनी पड़ेगी और थोड़ा सा नमक डालना होगा। फिर आपको अगर लगे जैसा भी कम ज़्यादा तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैंने इस समय इसलिए नमक ऐड किया जिससे हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। मैंने दाल जब चढ़ाई थी तब पर भी मैंने थोड़ा सा उसमें नमक ऐड किया था। अब हमको टमाटर अच्छे से गला लेने हैं, खूब अच्छे से हमें टमाटर गला लेने हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर देंगे। दाल में भी हमने हल्दी डाल चुके हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बस बहुत ही थोड़ी सी, जिससे और अच्छा कलर आए। तो बस थोड़ी सी हल्दी डाल दी है हमने और इसको अच्छे से अब हम टमाटर अपने गला लेंगे। अब ये टमाटर भी हमारे बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। इस स्टेज पे हम अपना गरम मसाला ऐड कर देंगे। थोड़े से गरम मसाले से क्या होता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है, तो इसीलिए हम इसमें गरम मसाला भी ऐड करेंगे और थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी ऐड कर देंगे इसी स्टेज पे। और हम अपना
गैस अब बंद कर देंगे और अपना प्रेशर कुकर खोल के देखते हैं। अब हम अपना कुकर खोलेंगे, ये देखिए हमारी ये अच्छे से गल चुकी है, दाल अच्छे से गल चुकी है। हमको इसकी ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत गाढ़ी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने बाद में पानी ऐड किया था, वरना अच्छी नहीं लगेगी ये ऐसी ही चाहिए। अब हम इसमें अपना जो हमारा बघार था, हमने तड़का तैयार किया था, वो इसमें ऐड कर देंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तड़के को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी दम पीठे की रेसिपी एकदम से रेडी है। इसको दल टिकरी भी बोलते हैं, ये यूपी और बिहार की बहुत ही फेवरेट रेसिपी में से एक है। सो फ्रेंड्स, आप इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिए मेरे वीडियो को। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, बाय।